Assalamu alaikum everyone. As you all know that myself Faiza, and today we are going to discuss about eyes. Eyes kya hai, eyes ki structure kya hai aur eyes ka function kya hai hamari body ke andar aur iske andar jo layers hai, different types ki layers ko hum discuss karenge aur jo eyes hai human beings ke andar kya, as we all know jo आइस है वो क्या किस तरह से वर्क करती है, रिसेप्टर्स की तरह वर्क करती है. सो जो आइस हुई वो क्या हुई, दीज आर आल्सो नोन एज विजुअल रिसेप्टर्स. ओके, मतलब कि कोई भी इमेज को देखने के लिए हम आइस का यूज़ करते हैं. और जो आइस होती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर या जो एनिमल्स हैं उनके अंदर पेयर ऑफ आइस प्रेजेंट होती है. जिस तरह से हमारे ईयर पेयर्स ऑफ ईयर प्रेजेंट थे हमारी बॉडी के अंदर, उसी तरह से जो आइस हैं वो भी पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं. ओके, अब ये प्रेजेंट कहाँ पर होती हैं, हमारी जो आईज विच आर प्रेजेंट ऑन द ऑर्बिट्स, इन द ऑर्बिट्स ऑन द फेस, हमारे फेस के ऊपर एक ये ऑर्बिट्स, केमिस्ट्री वाले ऑर्बिट्स नहीं है. केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि ये इस तरह से दो ऑर्बिट्स होते हैं, ये वाले, ये दो इस तरह से ऑर्बिट्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वट एवर. तो यहाँ पर ये वो वाले ऑर्बिट्स नहीं है, ये वाले ऑर्बिट्स हैं. ये हमारे जो स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो हमने वो स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमारे पास ये जो सॉकेट्स हैं, ये ऑर्बिटल्स हैं, ये आएंगे. तो इनको हम जो है ये इस तरह के ऑर्बिटल्स हैं जिसके अंदर हमारी आइस प्रेजेंट होती हैं. ओके, तो ये जो ऑर्बिट्स हैं इसके अंदर हमारी आइस प्रेजेंट होती है. और एक बात बताऊं, जो आइस की स्ट्रक्चर है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है लेकिन मुश्किल नहीं है. जो आइस है इस जो आई की स्ट्रक्चर है इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स है. और अगर हम बात करें इसकी शेप की कि इसकी शेप कैसी है, तो ये बॉल की फॉर्म में होती है. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बॉल, बॉल की फॉर्म में ये आलमोस्ट स्फेरिकल होती है. मतलब कि फुल स्फेरिकल नहीं होती, आलमोस्ट थोड़ी बहुत स्फेरिकल होती है इसकी जो शेप है वो वाली. और अगर हम इसके अंदर बात करें तो जो है अब इसकी लेयर्स की हम बात करें और उसके बाद इसके फंक्शंस की बात करें, तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये जो हमारी आइस है उसके अंदर थ्री लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. फर्स्ट वन इज सेकुलरा, सेकंड वन इज कोराइड एंड थर्ड वन इज रेटिना. ओके, जो सेकुलरा है वो आउटर मोस्ट लेयर है हमारी आइस की. जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेकुलरा. जो सेकुलरा है द आउटर मोस्ट वाइट टफ मस्कुलर लेयर इज कॉल्ड सेकुलरा. जो आउटर मोस्ट वाइट टफ मस्कुलर लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, सेकुलरा, ये वाली. तो और इसका फंक्शन क्या है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो जो सेकुलरा है इसका फंक्शन ये है कि ये हमारी आइज को जो है आउटसाइड मतलब बाहर से प्रोटेक्ट करती है, विच प्रोटेक्ट फ्रॉम आउटसाइड्स. और इसका जो अगला हिस्सा होता है, जो सेकुलरा होती है उसका जो अगला हिस्सा होता है वो क्या होता है, इट्स इंटीरियर पार्ट इज ट्रांसपेरेंट एंड बल्गिंग. ट्रांसपेरेंट कहती है कि आप जिस तरह से हमारी जो आइज है वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर की तरह है. तो कहती है कि आप जिस तरह से जब भी हमारी जो आइस है उसका जो अगर हम इस तरह से अपनी आइस को देखते हैं तो वो उसका जो पोर्शन होता है सेकुलरा वाला वो क्या होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर से होता है, शाइनिंग सी होती है. तो वो शाइनिंग किस वजह से होती है कि बिकॉज के जो सेकुलरा है उसकी जो उसका इंटीरियर पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट है इस वजह से. एंड बल्गिंग मतलब कि बल्क का मतलब एक तो ये होता है कि उभरा हुआ. अब जिस तरह से हमारी आइस है वो बिल्कुल इस तरह से गोल तो नहीं है ना. अब देखें ये जो हमारी आइस है ये साइड से ऐसे आई हुई है और दरमियान से थोड़ी सी बल्क हुई हुई है. बल्किंग मतलब कि ये आगे की तरफ आई हुई है. ओके, तो जो सेकुलरा का इंटीरियर पार्ट है वो क्या है, इट्स इंटीरियर पार्ट इज ट्रांसपेरेंट एंड बल्किंग, ट्रांसपेरेंट और बल्किंग है. ओके, और ये जो कॉर्निया है ये जो अब ये जो सेकुलरा है ये यहाँ से यहाँ आती है और यहाँ पर ये जो जब ये इंटीरियर पार्ट पे यहाँ पर आती है तो यहाँ पर ये क्या बनाती है, ये कॉर्निया बनाती है. ओके, और ये जो ट्रांसपेरेंट ये आगे से ये बल्गिंग हो जाती है जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं. ओके, सो जो सेकुलरा है वो क्या बनाती है, वो कॉर्निया बनाती है. एंड अब जो नेक्स्ट लेयर है उसके अंदर क्या है, कोरॉइड. अब कोरॉइड के अंदर होता क्या है, बेसिकली जो कोरॉइड है, कोरॉइड हमारे पास आइस की सेकंड लेयर है, ये वाली जो हमारे पास ये रेड कलर में शो हो रही है
ये हमारे पास क्या है, ये कोरोइड की लेयर है। तो कोरोइड के अंदर क्या होता है, कोरोइड के अंदर बेसिकली आयरस आयरस होता है, इसके फ्रंट ऑफ द साइड पे आयरस होता है, और इसके इधर यहाँ पर क्या होता है, ये प्यूपल होता है जो हमारे पास अमाउंट ऑफ लाइट्स को कंट्रोल करता है। ओके, कोरोइड, अब कोरोइड का एक फंक्शन, अगर हम इसके सेक्लरा के फंक्शन की बात करें तो ये हमारी आईज़ को कौन सा कलर देता है, ये हमारी आईज़ को कलर देता है ब्राइट कलर। ओके, ब्राइट कलर मतलब शाइनिंग शाइनिंग्स वाला। और जो कोरोइड लेयर है वो हमारी जो आईज है उसको कौन सा कलर देती है, डार्क। जो द मिडल लेयर इज कोरोइड, इट गिव्स डार्कर कलर टू द इनर आई, इनर आई को कौन सा कलर देती है, डार्कर। और जो इसके अंदर जो कोरोइड है, कोरोइड लेयर इज थिक इन द इंटीरियर पार्ट, ये कोरोइड लेयर यहाँ से आके ये थिक हो जाती है, ये हमारे पास कोरोइड लेयर है, ये इसको हम ब्लैक सॉरी रेड से कर देते हैं, ये हमारे पास कोरोइड लेयर है, ये यहाँ से ये कोरोइड लेयर है इसके साथ अटैच हुई है। तो जो कोरोइड लेयर है वो यहाँ से आके क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, ये आगे से आके थिक हो जाती है और क्या बनाती है, सिलियरी बॉडी। कोरोइड लेयर इज थिक इन द इंटीरियर पार्ट्स एंड मेक सिलियरी बॉडी, ये सिलियरी बॉडी बना देती है। ओके, ये सिलियरी बॉडी, इज दैट क्लियर। सॉरी, ये जो है ये हमारे पास सीलियरी मसल्स ये वाले हैं, ये सेकंड लेयर पे आ जाते हैं, हमने इसको गलत मेंशन कर दिया। ये जो हमारे पास ये वाली जो लेयर है ये है सेकंड लेयर, दिस इज आवर सेकंड लेयर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, दिस इज सेकंड लेयर। ओके, अब ये जो है ये सीलियरी बॉडी है, ये सीलियरी बॉडी, एंड ये जो है हमारे पास ये आयरस है। ओके, तो ये जो हमारे पास सिलियरी बॉडी है, जो कोरोइड लेयर है, कोरोइड लेयर इज थिक इन द इंटीरियर पार्ट, आगे आके क्या हो जाती है, थिक हो जाती है और क्या बनाती है, सिलियरी बॉडी बना देती है। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो कलर पोर्शन ऑफ द कोरोइड है, मतलब जो कोरोइड का कलर पोर्शन है, अब कलर पोर्शन कौन सा होता है, ये हमारे पास ये आगे वाला जो कलर पोर्शन ऑफ द कोरोइड कंटेन आयरस, अब इसके इन द सेंटर ऑफ द आयरस, सेंटर, अब ये आयरस है, ये हमारे पास ये आयरस है, ये कहाँ पर है, ये हमारे पास ये जो सिलियरी बॉडी है इसके साथ है। ओके, और इसके दरमियान क्या है, ये हमारे पास इसके दरमियान प्यूपल है, और इस प्यूपल का फंक्शन क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है हमारी आईज़ के अंदर जाने से। अब अगर हमारे पास जो लाइट है वो ज़्यादा हो तो जो हमारा जो प्यूपल है वो डायलेट हो जाता है, और सॉरी वो कंट्रैक्ट हो जाता है कि कम लाइट हमारी आईज़ के अंदर जाए। अगर इतनी ज़्यादा लाइट है वो हमारी आँखों में पड़ रही है तो हमारी जो आईज़ है वो डैमेज हो सकती है। ओके, और जब रात होती है तो रात को हमें सही चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, तो इस वजह से हमारा जो प्यूपल है वो डायलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरह से नज़र आती हैं। ओके, हम किसकी बात कर रहे थे, हम कोरोइड की बात कर रहे थे, कोरोइड जो हमारी आईज है उसको डार्क कलर देती है। ओके, एंड इसका जो इंटीरियर, ये जो है आगे से कोरोइड लेयर का जो ये कोरोइड लेयर है ये थिक हो जाती है इंटीरियर पार्ट से और क्या बना देती है, सिलियरी बॉडी बना देती है या सिलियरी मसल्स बना देती है। ओके, और अगर हम बात करें इन द सेंटर ऑफ द आयरस, जो आयरस है उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, प्यूपल प्रेजेंट होता है, और प्यूपल क्या करता है, प्यूपल्स कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज, प्यूपल हमारे पास जो अमाउंट ऑफ लाइट है उसको कंट्रोल करता है कि जो है कितनी ज़्यादा लाइट उसके अंदर जा सकती है, कंट्रोल लाइट। ओके, हमारे पास जो आइस के अंदर कितनी ज़्यादा लाइट जाए या कितनी कम जाए, तो ये जो सारा फंक्शन है ये कौन कंट्रोल करता है, ये हमारा प्यूपल कंट्रोल करता है। ओके, और जो हमारे पास आयरस है, आयरस किसको कंट्रोल, सॉरी लेंस, अब ये इसके साथ ये जो हमारा प्यूपल है इसके साथ यहाँ पर ये हमारा लेंस प्रेजेंट होता है। अब लेंस का फंक्शन क्या होता है, लेंस क्या करता है, लेंस अ
अब जो लेंस है हमारा, लेंस का फंक्शन ये होता है कि लेंस क्या करता है, विच फोकस द इमेज फ्रॉम डिफरेंट डिस्टेंसिंग ऑन टू द रेटिना। अब जो है आप मुझे देख रहे हैं तो आपकी जो आईज हैं वो, आपका जो लेंस है वो जो है इस बोर्ड की पिक्चर को डायरेक्ट इसके ऊपर मतलब फोकस कर रहा है, और जो हमारे पास डिफरेंट डिस्टेंसिंग है उसको रेटिना के ऊपर फोकस करवा रहा है। और रेटिना के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रॉड्स और कॉर्न सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उनको क्या करता है कि वो रॉड्स और कॉर्न सेल्स जो है हमें कलर भी बताएं और इमेज भी बताएं किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो जो लेंस का मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि विच फोकस इमेज फ्रॉम डिफरेंट डिस्टेंसिंग ऑन टू द रेटिना, कि मुख्तलिफ डिस्टेंस से जो इमेज होती है उसको हमारी रेटिना के ऊपर फोकस करवाने का काम जो होता है वो लेंस का होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ जाता है लेंस के बाद, कि जो लेंस है वो किससे जुड़ा हुआ है। ये हमारे पास क्या है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स। द लेंस आर हेल्ड बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स, मतलब जो लेंस है सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़े हुए हैं। ये वाले जो लेंस है और ये सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़े हुए हैं, विच आर अटैच टू द सिलियरी बॉडी, और जो किसके साथ अटैच हुए हैं, सिलियरी, ये यहाँ से ये सिलियरी बॉडी के साथ अटैच हुए हुए हैं। ओके, ये सिलियरी बॉडी है, इसके साथ ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं ये सिलियरी बॉडी के साथ अटैच हुए हुए हैं, और इनको जो ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं ये हमारे पास इस लेंस को क्या करते हैं, हेल्ड करते हैं, मतलब इस लेंस को अटैच करते हैं। ओके, और अगर हम बात करें इसकी जो ये जो हमारे पास सिलियरी बॉडी है, सिलियरी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, कि ये भी वही फंक्शन करती है कि जो सिलियरी बॉडी है अटैच जो मतलब सस्पेंसरी लिगामेंट्स अटैच टू द सिलियरी बॉडी विच फोकस द इमेज फ्रॉम डिस्टेंट डिस्टेंसिंग ओ टू द रेटिना, के मुख्तलिफ डिस्टेंसिंग से जो भी इमेज होती है वो हमारे पास जो सिलियरी बॉडी है वो आके इसके ऊपर मतलब आके हमारे रेटिना के ऊपर उसे फोकस करवाती है, और उसके बाद हमें वो जो सारा विजुअल मतलब कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसका कलर क्या है, वो सारा हमें पता चल जाता है। ओके, तो यहाँ तक तो बात हो गई कोरॉइड की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है, रेटिना। रेटिना के अंदर क्या होता है, फोविया होता है, ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स भी होते हैं। अगर हम बात करें रेटिना की तो जो थर्ड इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई है इज कॉल्ड रेटिना। थर्ड इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आईज इज कॉल्ड रेटिना, जो हमारी आईज की तीसरी लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, इसका सबसे बड़ा फंक्शन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है फंक्शन प्ले करती है हमारी आईज के अंदर। बिकॉज के जो हमारे पास सारा कुछ, अब जिस पैसेज मतलब जिस वे से सारी जो लाइट आई है अब वो डायरेक्ट आके रेटिना के ऊपर पड़ेगी, और रेटिना ने आगे से उसका फंक्शन परफॉर्म करना है, और हमने जो है उस चीज़ को देखना है कि ये क्या है। अब जिस तरह से अब हम देखते हैं कि अब मैं देख रही हूँ ये मार्कर है, तो अब मुझे मेरे रेटिना ने अब जो सारी लाइट पास हुई इस मार्कर के ऊपर, और इस मुझे मेरे जो रेटिना है उसने बताया कि ये एक मार्कर है और इसका कलर ये ग्रीन है एंड ये ब्लू है। ओके, तो ये जो ग्रीन एंड ब्लू है इसके अंदर जो मुझे डिफरेंस करने में हेल्प करती है वो कौन होती है, वो हमारा रेटिना होता है। रेटिना के ऊपर अंदर जो कॉर्न सेल्स होते हैं, कॉर्न सेल्स के अंदर रेड ब्लू एंड ग्रीन, रेड ब्लू और ग्रीन में डिफरेंस करने के लिए कौन मतलब मदद करता है या कौन हेल्प करता है, हमारी कॉर्न सेल्स। ओके, तो हम रॉड एंड कॉर्न्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस करते हैं रेटिना के अंदर जो रेटिना मतलब क्या है, वो तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, थर्ड इनर मोस्ट लेयर है। अब ये वाली जो है ये रेटिना है, ये ओके ये रेटिना है एंड ये रेटिना है। अब ये यहाँ पर आ गई है, और ये किसके साथ अटैच हुई हुई है, ये यहाँ से इसके साथ अटैच हुई हुई है प्यूपल के साथ। तो जब लाइट आती है यहाँ से तो इसके अंदर जब जाती है तो ये डायरेक्ट जाती है लेंस इसको डायरेक्ट फोकस करवाता है किसके ऊपर, ये इस रेटिना के ऊपर, और रेटिना के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ब्लाइंड स्पॉट भी होती हैं और सेल्स भी होती हैं। ओके, इसके ऊपर क्या क्या होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, ये इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। मतलब अगर लाइट यहाँ पर पड़े तो फिर हमें सही नज़र नहीं आता, ब्लर नज़र आता है।
तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे रॉड सेल्स को और कॉर्न सेल्स को। रॉड सेल्स क्या है? रेटिना कंटेन फोटोरिसेप्टर सेल्स, दैट इज इसको हम रेज कर देते हैं। ओके, जो रेटिना है वो क्या कंटेन करती है? फोटोरिसेप्टर सेल्स को, फोटोरिसेप्टर सेल्स को। ओके, फोटोरिसेप्टर सेल्स के अंदर क्या क्या आ जाता है? देयर आर टू फोटोरिसेप्टर सेल्स, रॉड्स एंड कॉन। एज द नेम इंडिकेट, जो रॉड सेल्स हैं वो किसके यूज होते हैं? रॉड्स आर यूज टू परसीव डिम लाइट, ये हमें डिम लाइट में देखने में हेल्प करती हैं, डिम लाइट में। ओके, एंड कॉन्स बेसिकली किस में यूज होती हैं? ऑब्वियसली ब्राइट लाइट में। ब्राइट लाइट में मतलब वो कलर बताती हैं कि इसका कलर कैसा है, एंड मतलब डिफरेंट टाइप्स के कलर्स के अंदर डिफरेंस करने में हेल्प करते हैं, वो कौन से होते हैं? कॉर्न सेल्स होते हैं। और रॉड्स जो हैं दे गिव अस ओनली द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ये हमें सिर्फ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बताती हैं कि ये इमेज है एक, बट नॉट इट्स कलर, और इसका कलर नहीं बताते। नॉट कलर मतलब कि कलर का नहीं, जो रॉड सेल्स होते हैं वो कलर नहीं बताते। जो कलर का काम कौन करता है? कॉर्न सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस करते हैं रॉड सेल्स को, उसके बाद हम आएंगे कॉर्न सेल्स के ऊपर। जो रॉड सेल्स हैं, रॉड सेल्स के अंदर एक तो क्या होता है कि ये हमारे पास ये जस्ट मैं क्या करती हैं कि दे गिव अस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बट नॉट इट्स कलर एंड डिटेल, ये हमें सिर्फ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट की बताती हैं कि ये, और ये बेसिकली डिम लाइट में यूज़ होते हैं। अब जब रात का टाइम होता है तो रात के टाइम जो रॉड सेल्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि अगर हमें हमारे पास कोई टेबल के ऊपर कुछ रखा हुआ है तो हमारे जो रॉड सेल्स हैं वो हमें बताते हैं कि हाँ टेबल के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब वो जो ऑब्जेक्ट है उसका भी तो कुछ ना कुछ कलर होगा, रेड ब्लू ग्रीन और वट एवर, तो वो हमें ये नहीं बताते कि उसका कलर क्या है, वो जस्ट ये बताते हैं कि कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये काम किसका होता है? रॉड्स का होता है। जबकि कॉर्न सेल्स जो होते हैं, कॉर्न्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअलाइजिंग कलर। विजुअलाइज कहते हैं कि मतलब कलर को पहचानना, कि जो कॉर्न्स है वो किसके यूज़ होते हैं? कि वो कलर को पहचानने के लिए। अब जिस तरह से अब हम इन मार्कर को देख रहे हैं तो हमारे जो रॉड सेल्स हैं वो जस्ट ये बता रहे हैं कि दिस इज़ जस्ट ओनली अ ऑब्जेक्ट, जबकि हमारे जो कॉर्न सेल्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि ये जो है ये रेड है, ये ब्लू है एंड ये ग्रीन है। तो ये कलर में डिफरेंस करने का काम कौन करवाता है? ये हमारे कॉर्न सेल्स होती हैं। ओके, और जो रॉड सेल्स हैं, रॉड सेल्स के अंदर क्या होता है? रॉड सेल्स के अंदर पर्पलिश रेड पिगमेंट होती है। ओके, पर्पलिश पिगमेंट होती है, जैसे हम क्या कहते हैं? रोडोप्सिन। स्पेलिंग चेक कर ले, क्या होते हैं कि जो हमारे पास रॉड्स हैं उसके अंदर एक पिगमेंट होती है, पर्पलिश होती है, पर्पलिश रेड पिगमेंट्स का रोडोप्सिन। अब रोडोप्सिन का मतलब क्या होता है? कि ये जो रोडोप्सिन है ये हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब डिम लाइट के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। अब रोडोप्सिन बेसिकली किसी ना किसी तो विटामिन से हमें मिलेगी, तो जो रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन बेसिकली हमें विटामिन ए से मिलती है। ओके, विटामिन ए से। और जो हमारे विटामिन ए है, जो रोडोप्सिन है, जब वो विटामिन ए से मिलती है हमें, तो अगर हमारे पास एक बात है, अगर हमारे पास विटामिन की कमी हो जाए, विटामिन ए की, इफ़ देर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, देन द आईज कैन नॉट सी क्लियरली। तो जो आईज होगी हमारे पास वो क्लियरली सी मतलब देख नहीं सकेंगी, और जिसकी वजह से हमें क्या हो जाएगा? जिसकी वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नाइट ब्लाइंडनेस। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब जिस तरह से रॉड्स रोडोप्सिन कंटेन करता था, उसी तरह से जो कॉर्न्स है वो भी तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो पिगमेंट्स वो भी कंटेन करेगा। तो जो कॉर्न सेल्स हैं वो क्या, कौन सी पिगमेंट कंटेन करते हैं? कॉर्न सेल्स आर एक्चुअली यूज्ड फॉर ब्राइट कलर, एंड कॉर्न सेल्स कंटेन पिगमेंट कॉल्ड अडोप्सन। जो कॉर्न सेल्स हैं वो कौन सी पिगमेंट कंटेन करते हैं? अडोप्सन।
अडॉप्शन, तो कौन सेल्स अडॉप्शन कंटेन करते हैं, और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। अब ये देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कौन सेल्स, जो कौन सेल्स हैं वो हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। एक तो हमारे पास रेड लाइट को मतलब विजुअलाइज करने के लिए हेल्प करता है, दूसरा ब्लू लाइट को, एंड तीसरा रेड लाइट को, सॉरी ग्रीन लाइट को। जो हमारे अडॉप्शंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, थ्री होती हैं, और वो क्या करते हैं कि रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट को मेजर करने के लिए या विजुअलाइज करने के लिए हमारी बॉडी हमें हेल्प करती हैं कि हमें पता चले। अब एक बात मैं आपको बताती हूँ, जो लोग मतलब आर्मी का टेस्ट देते हैं उसके अंदर बेसिकली ये हमारे पास जो कलर ब्लाइंडनेस है वो भी चेक किया जाता है। अक्सर लोगों को जो रेड है, रेड एंड ब्लू में डिफरेंस नहीं कर सकते, रेड एंड ब्लू में तो डिफरेंस क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज़ कि उनका जो कॉर्न सेल्स है वो सही तरह से वर्क नहीं कर रहा, वो अपने जो एक्शंस हैं उनको सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा। तो अगर जिसके मतलब इस कलर ब्लाइंडनेस का भी मसला हो, जिनको रेड एंड ब्लू के अंदर सही डिफरेंस ना पता हो, तो उसको भी जो है आर्मी के लिए रिजेक्ट कर देते हैं। वो क्यों करते हैं, बिकॉज़ कि उसके अंदर ट्रैवलिंग भी करनी होती है, और ट्रैवलिंग जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं किसी भी गाड़ी की, तो वो जो आगे हमारे पास ट्रैफिक लाइट्स होती हैं वो रेड एंड ब्लू में होती हैं। तो जो रेड और ब्लू में डिफरेंस ही नहीं कर सकता जिसको जिसका प्रॉब्लम है कलर ब्लाइंडनेस का, तो फिर अब उसे पता ही नहीं चलेगा कि सिग्नल ऑफ है या ऑन है, जो वो हमारे पास ट्रैफिक लाइट्स हैं वो रेड है या ब्लू है, तो फिर उसे इस बात में डिफरेंस मतलब नहीं कर सकेगा, तो इसकी वजह से वो एक्सीडेंट हो जाएगा, एंड इस वजह से जो है आर्मी वाले उनको रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये एक डिजीज है जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, बट हमारी बुक में ये डिजीज मेंशन नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस ब्लाइंडनेस। ओके, ये डिजीज का नाम कलर ब्लाइंडनेस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट आपने जो है कॉर्न सेल्स की बात कर ली, रॉड सेल्स की बात कर ली, अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास ये कुछ लिखा हुआ है, दैट इज विट्रियस ह्यूमर एंड नेक्स्ट एक्वस चैम्बर। कहते हैं कि द स्पेस बिटवीन द लेंस, द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज कॉल्ड एक्वस चैम्बर। जो हमारे पास स्पेस कॉर्निया के दरमियान और लेंस के दरमियान, ये जो स्पेस है इसको हम एक्वस चैम्बर कहती हैं, और ये एक्वस चैम्बर किसको कंटेन करता है, एक्वस चैम्बर इट कंटेन्स अ थिन वाटरी फ्लूड। ये वाटरी फ्लूड्स की तरह एक उसको क्या कहते हैं, उसको जेल लाइक स्ट्रक्चर फ्लूड को कंटेन करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। ओके, क्या कहते हैं हम उसको, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारे पास ये लेंस, लेंस से लेकर लेंस द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज कॉल्ड विट्रियस चैम्बर। जो हमारे पास स्पेस होती है रेटिना के दरमियान और लेंस के दरमियान, उसे हम क्या कहते हैं, विट्रियस चैम्बर। और जो इसके अंदर फ्लूड होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। अब इसका फ्लूड का फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास जो जब लाइट आती है, तो लाइट को एक मतलब सही रॉड और कॉर्न सेल के ऊपर फोकस करवाने में ये जो फ्लूड है ये हेल्प करता है। ओके, और यहाँ पर ये ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। जब ये लाइट यहाँ से सीधा लाइट कैसे आती है, लाइट कॉर्निया के साथ कॉर्निया से पास होती है, कॉर्निया से नेक्स्ट कहाँ पर जाती है, कॉर्निया से आगे ये जाती है एक्वस, यहाँ पर क्या होता है, एक्वस चैम्बर होता है, एक्वस चैम्बर के पास जाती है, एक्वस चैम्बर से देन नेक्स्ट कहाँ पर जाती है, प्यूपल के अंदर। ये जो आयरिस है ये तो इसके साइड साइड पे है, मतलब कि इसके दरमियान सारा कौन सा चैम्बर है, एक्वस चैम्बर है। और जब ये प्यूपल के साथ ये जो प्यूपल तक जाती है, और प्यूपल से आगे लेंस एंड देन लेंस इसको कहाँ पर फोकस करवाता है, लेंस इसको आगे रेटिना के ऊपर फोकस करवाता है, कि जो हमें फिर जो रेटिना है
रेटिना के ऊपर जब जाके लाइट पड़ती है तो रेटिना के अंदर क्या होता है, दो तरह के वो होते हैं, रॉड और कॉर्न सेल होती है। और जब रॉड और कॉर्न सेल के ऊपर जाके लाइट पड़ती है तो जो रॉड सेल्स के अंदर जो रोडोप्सिन होता है उसकी ब्रेकन डाउन हो जाती है। और जब उसकी ब्रोकन डाउन होती है तो वहाँ से क्या होती है, जो इम्पल्स होती है, नर्व इम्पल्स, ऑप्टिक नर्व जनरेट होती है। और जब वो ऑप्टिक नर्व जनरेट होती है तो वो ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन तक जाती है और वहाँ पर जाके सेरिबेरम को फंक्शन इंफॉर्मेशन बताती है। फिर वो उसे आगे से कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए मैसेज सेंड कर देता है। ओके, तो इसके अंदर अगर ये हमारे पास लाइट आके यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर पड़ जाए तो हमें ब्लर नज़र आता है, हमें सही नज़र नहीं आता, उसके हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और लेंस के आगे जो ये फोविया है, लेंस के आगे प्रेजेंट होता है ये फोविया, और फोविया भी इसकी हेल्प करता है कि ये रेटिना तक विच फोकस द इमेज फ्रॉम रेटिना, और यहाँ पर एक इमेज बनती है जिसे हम फोविया कहते हैं। ओके, सो नाउ जो हमारे पास क्या कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ विजन है, मैकेनिज्म ऑफ विजन की हम रीडिंग कर लेते हैं कि उसके जो हमारे पास लाइट है वो किस तरह से पास होती है और कहाँ पर जाती है, ये सारा प्रोसेस हमारा क्लियर हो जाएगा। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द आई ह्यूमन आई, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड अब हम रीडिंग करते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ विजन, मैकेनिज्म ऑफ विजन किस तरह से होती है, द लाइट रेज कमिंग थ्रू द कॉर्निया, जो लाइट की रेस है वो ऐसे कॉर्निया से कम आएंगी तो कहाँ पर जाएंगी, एंड लेंस मेक्स एन इमेज ऑन द रेटिना, और लेंस क्या करता है एक इमेज बना देता है रेटिना के ऊपर। नेक्स्ट क्या होता है, ऑन द रेटिना द फोटोरिसेप्टर सेल्स रॉड्स एंड कॉर्न्स ऑफ द रेटिना प्रोड्यूसेस नर्व इम्पल्स इन द न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द रेटिना। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू के जो हमारे पास रॉड और कॉर्न सेल्स है वो नर्व इम्पल्स जनरेट करती हैं, एंड द एग्जॉन ऑफ दीज न्यूरॉन्स आर द पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, और जो ऑप्टिक नर्व्स है उसके एग्जॉन्स ऑफ दीज न्यूरॉन्स आर द पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, और ये जो ऑप्टिक नर्व्स यहाँ से नीचे आई हुई हैं इनके अंदर क्या होते हैं, ऑप्टिक नर्व्स के अंदर बेसिकली जो नर्व्स होती है वो बनी हुई एग्जॉन सेल बॉडी और डेंड्राइट से, तो इस ऑब्वियसली इसके अंदर एग्जॉन होंगे। एंड द ऑप्टिक नर्व्स कैरीज इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम द रेटिना टू द सेरिब्रम, और ये इन्फॉर्मेशन लेके नर्व इम्पल्स जो है ये ऑप्टिक नर्व से इंफॉर्मेशन लेके सेरिब्रम की तरफ सेंड करेगी, एंड हियर द इम्पल्सेस आर प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल सेंसेशन ऑफ शेप एंड कलर। तो क्या होगा कि जो हमारे पास जो हमारा ब्रेन है वो क्या करेगा कि इंफॉर्मेशन देगा कि कौन सा कलर है, कि जो हमारा कौन सेल्स है वो हमें बताएगा कि आप कौन सा कलर देख रहे हो। अब जितने भी हम अब कलर देख रहे हैं वो किसकी वजह से देख रहे हैं, कौन सेल्स की वजह से, बिकॉज कि हमें कौन सेल बता रहा है ये वाइट है, ये ग्रीन है, ये रेड है, ये ब्लू है, येलो है, पिंक है, जो भी है, ये सारे कलर्स के अंदर विजुलाइज करना करने में कौन हमारी हेल्प करता है, हमारा कौन सेल्फ हमारी हेल्प करता है। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। एंड अगर आपको फिर भी इस टॉपिक्स के अंदर से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन, तो आई एम अवेलेबल फॉर यू ईच एंड एवरी टाइम। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जिस टॉपिक के अंदर आपको कन्फ्यूजन है या जिस टॉपिक के ऊपर आप कहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, तो मैं जो है ज़रूर उस टॉपिक के ऊपर कोशिश करूँगी कि वीडियो बनाऊँ। और अगेन आई रिपीट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन दैन यू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।